नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां हम मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारी वीडियोस लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज जीमेल के जो है दो ऐसे टिप्स और ट्रिक्स आपके लिए लेकर आए हैं जो कि बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं आपको, और जो लोग जीमेल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। दोस्तों, आपको करना क्या है, मान लीजिए आपका ये जीमेल का स्पेस जो है अगर भर जाता है, ये जो 15 GB डेटा आपको देता है अगर ये फुल हो गया है, आपके जीमेल फुल हो गए हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से उसको डिलीट किया जाए, तो मैं यहाँ पर सर्च बटन पर आपको जो कोड यहाँ पेस्ट करने वाला हूँ आप ये देख सकते हैं। आप एज इट इज़ अपने ईमेल इनबॉक्स में जाके जो है इसको पेस्ट कर सकते हैं। देखिए, ये मैंने यहाँ लिख दिया है एच और अटैचमेंट में लिखा है लार्जर 10 MB। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि वो सारे मेल जो है फिल्टर हो जाएंगे जो कि 10 MB से बड़े हैं, और जितने भी मेल हैं आप इसको 5 भी कर सकते हैं, 20 MB भी कर सकते हैं, 25, जितने MB लार्जर आप फाइल्स डिलीट करना चाहते हैं। तो अब मैं 10 MB का लार्जर करके और यहाँ एंटर जैसे ही करूँगा तो जितने मेल आपको अब यहाँ दिखेंगे, ये देखिए फ़िल्टर होके जो भी मेल आ गए हैं दोस्तों, इन सब के अंदर जो अटैचमेंट है वो 10 MB से बड़ा है, ये हमें जीमेल बता रहा है। और अब आसानी के साथ आप जो है यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद इनको डिलीट कर सकते हैं। मैं आपको और करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये मैं इसको यहाँ 20 कर देता हूँ। अब हम 20 MB तक की जो फाइल्स हैं, देखिए ये लोड होकर आ गई हैं, ये 20 MB वाले हैं जितने आपको दिख रहे हैं, इसके अंदर 20 MB होगा। इसी तरीके से आप 5 MB भी कर सकते हैं, यहाँ पर 5 लिख दीजिए और आप देखेंगे कि जितने अटैचमेंट हैं जो कि 5 MB से बड़े यहाँ पर हैं वो सभी आपको यहाँ दिख रहे होंगे, और आप आसानी के साथ जो है उन्हें यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों, एक दूसरा जो है आपको यहाँ पर लिखना है, आप देखते हैं कि ये जो आपका इनबॉक्स होता है बहुत ज़्यादा मेल्स, प्रमोशनल मेल्स बहुत ज़्यादा इसमें आते हैं, और उस चक्कर में होता ये है कि हमारे मेन जो मेल्स होते हैं वो समझ नहीं आते हैं, निकल जाते हैं, हमें पता नहीं चल पाता है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको यहाँ लिखना है अनसब्सक्राइब। आप जैसे ही ये लिखेंगे, ये देखिए मैंने लिख दिया है, और अब आप जो है यहाँ से एंटर करिए। देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने यहाँ एंटर किया तो ये जितने भी अब आपको मेल दिख रहे हैं ये सारे प्रमोशनल मेल हैं, अलग अलग कंपनीज़ के, अलग अलग ब्रांड के। आप यहाँ पर देखेंगे इन सब में अनसब्सक्राइब जो है यहाँ पर देख रहे हैं, इस तरीके से हाईलाइट हो रहा है। आप किसी और मेल को ओपन भी करके देख लीजिए, अंदर भी आपको दिखेगा, तो आप देख सकते हैं ये अनसब्सक्राइब इस तरीके से हाईलाइट हो रहा है। तो आपको करना क्या है, आप जो है दोस्तों यहाँ से जब इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये सारे जो है सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन यहाँ से जो है सिर्फ 50 सेलेक्ट होंगे। आप यहाँ पर क्लिक कीजिए सिलेक्ट ऑल कन्वर्सेशंस दैट मैच दिस सर्च। जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे दोस्तों तो सारे के सारे जितने भी इस इनबॉक्स के अंदर, इस पूरे जीमेल आईडी के अंदर जो अनसब्सक्राइब वाले मेल्स हैं वो सब सिलेक्ट हो गए हैं। अब आसानी के साथ आप जो है यहाँ से इनको डिलीट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक दूसरी बात यह है, आप एक बार इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप अगर अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ SBI का SBI कार्ड्स है, पेटीएम ऑफर्स हैं, कुछ और भी चीज़ें हैं, तो आप पहले ध्यान रखें कि कौन कौन सी चीज़ों को आप यहाँ से अनसब्सक्राइब करना चाहते हैं, किसको नहीं करना चाहते हैं। अगर आपको सभी को अनसब्सक्राइब करना है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट ऑल कीजिए और आसानी के साथ जो है आप यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको जस्ट अनसब्सक्राइब एक लिखना है सर्च बॉक्स में, और आसानी के साथ जो है आप यहाँ से ऐसे सारे प्रमोशनल मेल्स को ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये दोनों ट्रिक्स जीमेल की पसंद आई होंगी। इस वीडियो में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।